भारत में बढ़ रही महंगाई को लेकर BASFCOs के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दौरान मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगे। कांग्रेसी विधायक राजेंद्र वेरी, संसद मेंबर संतोष सिंह चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से डीजल और पेट्रोल तथा अन्य घरेलू चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम नागरिक बहुत ही परेशान है। मोदी सरकार को आए हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए हैं। कैमरामैन हार्दिक के साथ पूजा की रिपोर्ट। जिस तरीके दे नाल पेट्रोल और डीजल के रेट वधे जा रहे हैं, खाने वाले समान के सरों के तेल के घ्यो के रेट वधाए जा रहे हैं, ये बड़ी माड़ी गल हो रही है। असी सेंटर सरकार तो मोदी सरकार तो ये मांग कर रहे हैं कि कच्चे तेल के रेट अजे भी नहीं वधे, लेकिन तुसी डीजल और पेट्रोल के रेट वधा के सिर्फ तो सिर्फ दो कंपनियां, अदानी कंपनी और अंबानी कंपनी को फायदा पहुँचा रहे हो। लोग बहुत परेशान ने, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। डीजल पेट्रोल के नाल नाल जिस तरीके दे नाल सरों के तेल के रेट वधाए गए, दालों के रेट वध गए, घ्यो के रेट वध गए, ये जानबूझ के वधाए गए हैं। जिस तरीके दे नाल अज सरों जिहड़ी नवीं आई सी खेतों के विच, अजे सरों खड़ी सी, इक्को ही कंपनी ने, अदानी कंपनी ने, वो खड़ी फसल खरीद के कालाबाजारी करके जो जद के रेट घटना चाहिए सीगा, 70-75 रुपये सरों की तेल का रेट सीगा, इन्होंने कालाबाजारी करके 180 रुपये तक रेट लैके आंदा। बड़ी माड़ी गल है, आम आदमी की जिहड़ी रसोई है बिल्कुल हिल चुकी है। जे इस तरह महंगाई वधी जाएगी तो आने वाला टाइम जिहड़ा साडे सारयां वास्ते बहुत माड़ा होगा, क्योंकि असी अगे ही कोविड की बड़ी भयानक लड़ाई के नाल लड़ रहे हैं, और इहदे नाल नाल जिहड़ा एक होर साडे उपर एक समस्या बन गई है महंगाई की, यह भी बड़ी माड़ी समस्या हैगी है। सानू सारयां नू चाहिए कि असी लोगों नू देखिए, लोगों की परेशानी नू देखिए, ना कि वो दो वड्डे अदारियां नू देखिए जिन्हां नू मोदी सरकार फायदा पहुँचा रही। वो कहिंदे कि 7 सालों के मोदी साहब ने बहुत वधिया काम किए हैं, लेकिन 7 सालों के जो महंगाई वधी है, जिहड़े काले कानून लागू इन्होंने किए, नोटबंदी हुई है, उन्हें नाल जिहड़ी हिंदुस्तान की समस्यावां ने, हिंदुस्तान के जिहड़े लोग ने वो परेशान हो चुके हैं।